गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्रों को आज मैं विशेष रूप से एड्रेस करूंगा कि जॉब राइट और जॉब राइट को सिर्फ इस ढंग से लागू करने की हम बात कर रहे हैं कि नियमित रोजगार मिले, जरूरतमंद लोग पति पत्नी एक न्यूनतम वेतन पर सरकार के संस्थानों काम करना चाहते हैं ताकि शाम को खुश होकर यानी गरीबी मुक्त खुश होकर न अपराध की तरफ प्रवृत्त हों, न सब्सिडी और भीख मांगने की तरफ ललायत हों, एक इज्जत की जिंदगी जिसके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके और अपने बच्चों को खुशी से पाल सके, युवा खुश रह सके, हैप्पीनेस प्रोग्राम भी कहा जाएगा इसे। जॉब राइट बड़े साधारण अर्थों में दैनिक मजदूरी 500 रुपये वेतन रख दीजिए, मेरा मतलब 10,000 रुपये मासिक एक बार शुरू में केंद्र राज्य सरकार लागू कर दें। 16 लाख जो आवेदक आप देख रहे हो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में, इन वो सभी आज भी पढ़ाने में सक्षम हैं, पात्रता परीक्षाएं करते रहेंगे सब पास बाद में, उन सभी कैंडिडेट्स स्कूल्स या टीचिंग प्रोफेशन लगाए जाए, शिक्षा का बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो जाएगा और उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे मनरेगा के बारे में कहा गया था कि भारत को आर्थिक मंदी का शिकार होने से बचाया मनरेगा ने, ये 10 वर्ष पहले मंदी की जो धारणा आई थी, वैश्विक मंदी बोली जा रही थी, उसमें मनरेगा भारत के बाजार के लिए बड़ी साधक बनकर उभरी। तो जॉब राइट और बाद में चर्चा होती रहेगी, एक मिनट में सीधा ही नहीं, अनेक बातें ड्राफ्टिंग करते टाइम मैं संसद में विधानसभा में जो राजनीतिक दल जो कार्य कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर दिया जाए रोजगार, ये पहली सर जरूर रहेगी। बिहार के युवा को लाकर राजस्थान में, राजस्थान के युवा को बंगाल या गुजरात में ले जाकर वहाँ फिर वह अवधारणा बिगड़ जाएगी। मनरेगा कोई एक सुधरा रूप जॉब राइट है, शिक्षित या जिस क्षेत्र में जो लोग अपनी दक्षता से हैं वहाँ उनका उपयोग किया जाए और ज़रूरत न होने पर भी उनको न्यूनतम यानी उनका रोज़गार जारी रखा जाए, वो सरकार के अधिकारियों जिम्मे लगाए जाए कि रोज़गार के अवसर कैसे पैदा करें, उन लोगों को कहाँ नियोजित करें, वो एक सेल बनाई जाए प्रत्येक राज्य केंद्र और जिला स्तर पर। तो जॉब राइट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड के रूप में और एक अभियान के रूप में आगे चला रहा हूँ और ये गरीबी मुक्त और अनुशासित भारत के निर्माण में साधक होने का दावा भी करता हूँ। कोई भी पत्रकार साथी, जनप्रतिनिधि, विचारक, छात्र और नागरिक इस संबंध में किसी भी स्तर पर, हाँ किसी व्यक्ति विशेष को इसमें आपत्ति हो सकती है कि वो सिर्फ और सिर्फ राज्य की सेवा ऊँचे वेतनमान और राजाशाही रूप में करना चाहता है, अदरवाइज उसे ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को हम शामिल इसमें नहीं कर रहे हैं, वो ना करें। जिनका बाहर बगैर सेवा राज्य की सेवा के पेट भर रहा है, हम चाहते वो ये हैं कि ज़रूरतमंद नीडी लोगों को अवसर मिले पहले, जिनके पास बाहर इतने संसाधन हैं, जिनमें मासिक 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख अगर आमदनी आ रही है किसी भी संसाधन से, वो सब तो बाहर चले जाएंगे। और ये जो रोज़ तांडव मचा हुआ है भ्रष्टाचार का, अपराध का, छीना झपटी का, वहाँ पेपर लीक, वहाँ का अफसर शामिल, वहाँ का नेता शामिल, वहाँ का मुख्यमंत्री शामिल, आप देख रहे हो बड़े स्तर तक रोजी मामले चल ही रहे हैं, इन सब पर इससे ताला लग जाएगा इन एम्प्लॉयियों पर। और मैंने पहले कहा था माननीय अदालतों का ऐसे बोझ बहुत कम हो जाएगा, आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से लेकर आप देखें तो भरमार है, भारत में बड़ी संख्या में मामले सेवा संबंधी मामले, तो इनसे स्वतः निजात मिलेगी। और मैं कहूँगा न्यायालय जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की छात्र हैं, दूसरी लॉ यूनिवर्सिटीज़ के बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया वकील साहिबान से मैं विशेष अनुरोध करूँगा कि वो ज़रूर इस मिशन में हमारे साथ आएँ और बताएँ, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक बात है, इसको आगे बढ़ाना, लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाना और राष्ट्र को समृद्ध बनाने
कहते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है, और इस युवा शक्ति को अगर राष्ट्र शक्ति में नहीं बदला गया तो हम बहुत गलत सिद्ध होंगे। तो जॉब राइट पर सभी ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त, ये चोर और दूसरे प्रकार के अपराधियों की संख्या काफ़ी घट जाएगी। आदि व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए बुराइयों की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, उनके मकर जाल में आ जाते हैं, वो लोग भी उन बुराइयों से बच पाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि अगर पुलिस अधिकारी इस तरह चर्चाएं करते हैं कि राजकीय सेवा में नियोजित व्यक्ति कानून से उनकी भाषा में डरना का दो या वो पालना ज़्यादा करते हों, यानी वो नहीं चाहते कि मैं सेवा से मेरे को बाहर जाना पड़े, हाथ धोना पड़े, तो वो कानून की पालना ज़्यादा करते, कानून का सम्मान ज़्यादा करते हैं। जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, तो कानून के सम्मान ही बनते हैं। मुट्ठी भर लोग जो हैं उनको तो कल बांग्लादेश के अदालत ने एक बच्चे को मारने के अपराध में 20 बच्चों को मृत्युदंड दिया है। तो इस तरह के हत्या और बलात्कारियों को हम ये मांग करते हैं, साथ साथ अनुशासित भारत के लिए जॉब राइट के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया जाए। ये बिल्कुल संसद में कानून बने, और ढेर सारे कानून बन रहे हैं, ये कानून ये भी कलम से संसद बना ले। और मैं जहाँ तक आशा करता हूँ, प्रातःकालीन सभा में सभी सांसद, सभी राजनीतिक दल इस पर एक मत, उनको स्वयं खुद में झांकने का मौका दिया जाए कि अगर ये आपके परिवार के साथ ये घटना हो तो आपकी मांग क्या होगी। तब सभी का मुँह यही कहेगा एक साथ कि मृत्युदंड। तो हत्या और बलात्कार 376 और 302 के मामलों में खुलेआम चाहे चोरों पर लटकाएं, इन ऐसे लोगों को हमें कोई नफरत नहीं है। और हम अमेरिका से संविधान में जरूर न्याय प्रणाली लेके आए थे, परंतु साथ साथ मैं कहता हूँ सऊदी अरब और बांग्लादेश की न्याय प्रणाली को भी देख लिया जाए, बुरी नहीं है। बिल्कुल नीच किस्म के व्यक्तियों को मानव ह्यूमन राइट्स लागू नहीं होते, ह्यूमन नहीं हो वो, मानव है ही नहीं। ये मानव अधिकार आयोग से मैं अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि मानवों की बात की जाए, बिल्कुल की जाए, परंतु दानवों की नहीं की जाए। जो दानव हैं उनको कुचलने में हमारे साथ मानव अधिकार आयोग, विधि आयोग और सभी विधानसभा, सभी राजनीतिक दल और छात्र शक्ति, युवा शक्ति और नागरिक एक मुश्त जॉब राइट और इन दोनों प्रकार के जो अपराधी दर्ज व्यक्ति हैं जो गिनोने रखते हैं सामने आनी बंद हो जाएंगी। रोंगटे खड़े करने वाले और समाज को लज्जित करने वाले और हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर वास्तव में एक बहुत ही शक्ति और अनुकरणीय व्यक्ति हैं, राष्ट्र हमारा बन पाएगा। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि जॉब राइट और दोनों प्रकार के अपराधियों को मृत्युदंड का बिल्कुल प्रोविजन हो। धन्यवाद।